ये बुक है वोकेबलरी इन यूज। इसमें फर्स्ट यूनिट में हम स्टडी करेंगे लर्निंग वोकेबलरी, वोकेबलरी को सीखना, कैसे अपन वोकेबलरी को सीखेंगे, वोकेबलरी कैसे याद होगी। यूजिंग दिस बुक, इस बुक को कैसे अपन यूज़ करेंगे। देखिए, इट्स अ गुड आइडिया टू हैव अ रूटीन व्हेन यू यूज़ दिस बुक। इस बुक को जब आप यूज़ करें तो रूटीन बनाएगा, ये अच्छा आइडिया रहेगा, रूटीन में रहें आप। रूटीन मीन्स, यहाँ पर उन्होंने रूटीन का मीन दिया है, रूटीन मीन समथिंग यू डू ऑफन एंड यूजुअली इन द सेम वे। सामान्यतः एक ही तरीके से आप जो अक्सर जो काम करते हैं वो रूटीन कहलाता है। कोई भी काम अपन रिपीटेशन में करें, किसी रूटीन में करें, तो वो रूटीन का मीन है आपका। अब देखिए, अगर वीकली करते हैं, आप वीकली रूटीन, व्हेन यू स्टडी अ यूनिट फॉर एट लीस्ट, तो वीकली रूटीन में आप क्या करें, कम से कम 30 और 35 मिनट्स स्पेंड करें वहाँ पर, रूटीन में लें आप एक यूनिट पर। डेली रूटीन में व्हेन यू रिवाइज दैट यूनिट, जो आपने पहले स्टडी कर ली है उसको रिवीजन जरूर करें, और उसमें एटलीस्ट आपको जो है रिवीजन में 5 और 10 मिनट्स हर यूनिट के लिए देना होगा आपको। अगर रिवाइज करें जो आपने यूनिट पहले से ही स्टडी कर लिया, उसमें याद किए वो वर्ड आपको, ने तो इसमें लिखा है अ डेली रूटीन व्हेन यू रिवाइज दैट यूनिट, स्टडी इट अगेन, दोबारा उसको पढ़ना रिवाइज। यू मे ओनली नीड टू रिवाइज फॉर 5 और 10 मिनट्स ईच टाइम। क्लियर? आगे देखिए, ओवर टू यू। अब ये आपके लिए है, और ये क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, ये आपको आंसर देने हैं। राइट योर आंसर्स, आंसर देने हैं। हाउ कैन यू स्पेंड एट लीस्ट हाफ एन आर और 45 मिनट्स ऑन अ यूनिट। आप अगर जो है किसी यूनिट को पढ़ने के लिए आप कैसे टाइम देते हो, कितना समय देते हो, और देते हो तो कैसे देते हो एक यूनिट पर। नेक्स्ट है आपका हाउ ऑफन कैन यू रिवाइज, कितनी बार आप रिवाइज करते हो। हाउ मच टाइम कैन यू स्पेंड, आप कितना स्पेंड कर सकते हो टाइम जब आप रिवाइज करोगे। वेयर विल यू डू इट, और रिवीजन करोगे तो फिर उसको कहाँ करोगे, कैसे नोट्स बनाओगे, तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। अब देखिए, स्टडिंग अ न्यू यूनिट, जब आप नई यूनिट को स्टडी करो उसमें नए न्यू वर्ड आपको मिलेंगे, कोई नया टॉपिक चूज करो। अब जैसे इसमें टॉपिक दिए गए हैं, देखिए इसमें टॉपिक दिए गए हैं, जो भी, ऐसा नहीं है कि आपको नंबर वाइज करने के पहली यूनिट ज़रूरी है, उसके बाद दूसरी या चौथी जरूरी, उसके बाद पाँचवी, नहीं, टॉपिक वाइज आपका दिया है, तो जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे वो टॉपिक। जैसे देखिए, इसमें टॉपिक दिए गए हैं, हर एक टॉपिक पर उसकी वोकेबलरी होगी। जैसे देखिए, द बॉडी एंड मोमेंट, डिस्क्राइबिंग अपीयरेंस, डिस्क्राइबिंग करेक्टर, फीलिंग, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ग्रोइंग अप, बिजनेस एंड फाइनेंस, स्पोर्ट एंड लेजर, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, बुक्स, म्यूजिक, स्पेशल इवेंट, ट्रेवल, एयर ट्रेवल, क्लॉथ्स, फैशन एंड बाइंग क्लॉथ्स, हॉलीडेज बाय सी, ये टॉपिक आपको दिए, ट्रांसपोर्ट, सिटी लाइफ, कुकिंग, फूड एक्सेट्रा। तो इसके रिलेटेड जितने भी आपके वर्ड हैं, फ्रेजेस हैं, ईडियम भी होंगे, फिक्स एक्सप्रेशन भी होंगे, फ्रेजल वर्ब्स भी होंगे आपके, तो जो आप यूनिट पसंद करो वो आप चूज कर सकते हो। तो देखिए आगे, When you are studying a unit for the first time, जब आप पहली यूनिट, यानी कोई भी यूनिट आप जो है पहली बार आप जो है स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, पहले तो एक्टिव रहें आप, जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें यूनिट, रिलैक्स होके पढ़ें और एक्टिव रहें जब आप कोई भी वर्ड सीख रहे हो, क्योंकि वर्डों को याद करना आसान नहीं है, उन्हें याद रखना। प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए विद अ न्यू वर्ड और फ्रेज, जब आपको कोई नया वर्ड या फ्रेज मिले, से इट अलाउड, उसको बोलने की ज़्यादा कोशिश करो, बार बार बोलो और उसको सही प्रोनाउंस करो, हाउ टू प्रोनाउंस इट, सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जैसे कैसे वर्डों को प्रोनाउंस करते हैं, तो जैसे
डिक्शनरी है कोई, जैसे ये डिक्शनरी है, अब इसमें ये वर्ड है आपका, ठीक है, एग्जिट और एग्जिट, दो साउंड है आपके, नाउन है आपका, तो अगर इसको क्लिक करें यहाँ पर तो वो अनाउंस करके बताएगा उसको, एग्जिट बोलते हैं और एग्जिट बोलते हैं, दोनों है, अमेरिकन का ब्लू रहता है और रेड आपका ब्रिटिश रहेगा, अगर ब्रिटिश डिक्शनरी है तो देखिए इसको प्रोनाउंस करेंगे, हो सकता है आपको इसमें आवाज़ ना आए लेकिन ये बोल के बताएगा, देखिए प्ले ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन ऑफ एग्जिट, तो एग्जिट और एग्जिट, क्लियर है, देखिए एग्जिट एग्जिट और एग्जिट एग्जिट एग्जिट, ये एग्जिट है आपका, तो ऐसे आपको उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है वो आप बार बार सुने और अपने मन में अंदर जो है उसको प्रोनाउंस करके देखें, मन में प्रोनाउंस करके देखो बार बार, फिर एक बार जोर से थोड़ा प्रोनाउंस करें कि प्रोनाउंसिएशन में कॉन्फिडेंस है आपका, सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो से इट अलाउड मीन्स ये फ्रेज हो गया से इट अलाउड, स्पीक इट सो यू कैन हियर इट, आप ऐसे पहले प्रोनाउंस करें तेजी से जाते आप उसी को अच्छी तरीके सुन पाए, एंड रिपीट इट टू योर सेल्फ साइलेंटली, फिर अपने अपने हेड में यानी मन मन में बोल कर नहीं, मन मन में आप जो है उसको रिपीट करें, इफ़ यू हैव द ई बुक, अगर आपके पास ई बुक है दैट गोज़ विद द बुक, फिर उसके साथ आप प्रैक्टिस करें यानी उसको क्लिक करें और सुने, ई बुक इंटरनेट बुक है तो उसमें क्या होता है कि सेंटेंस होता है या वर्ड होता है उसके आगे स्पीकर का सिंबल आएगा, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो पूरा सेंटेंस आपको प्रोनाउंस करके बताएगा या वो वर्ड को प्रोनाउंस करेगा, यूज इट टू चेक द प्रोनाउंसिएशन, तो उसमें कहा गया कि प्रोनाउंसिएशन को जरूर चेक करेंगे, हाउ टू प्रोनाउंस इट। अब देखिए यूज अ हाईलाइटर पेन, हाईलाइटर पेन का यूज़ कीजिए टू मार्क वर्ड्स, कोई वर्ड आपको मिल जाए तो हाईलाइटर का यूज़ करके उसको हाईलाइट कर दीजिए, इससे क्या होगा कि जब भी आप रिवाइज करोगे तो वो वर्ड आपको तुरंत अट्रैक्ट करेगा यानी तुरंत उस पर ध्यान जाएगा और उसको आपको फिर रिवीजन में वो आप भूलेंगे नहीं उसको, वो जरूर आप जो उसको नोटिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यू थिंक आर इम्पोर्टेंट डिफ़िकल्ट, आपको लगे कि वो इम्पोर्टेंट वर्ड है या डिफ़िकल्ट वर्ड है तो आप ज़रूर उसको हाईलाइट करना ताकि वो आपको आगे आपसे छूट मिस ना हो, उसका ध्यान आप ज़्यादा दें उस पर। राइट डाउन न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन योर नोटबुक, एक नोटबुक बना लें उसमें अपने नए जो वर्ड है उसमें या नए फ्रेज मिल रहा है न्यू फ्रेजेस मिल रहा है तो उसको लिखें। अब कैसे बनाएंगे, यूनिट टू में मोर इन्फॉर्मेशन दी गई है कैसे उसको नोट्स बुक में अपन अरेंज करेंगे, तो वो दूसरा जो वीडियो होगा सेकेंड यूनिट का उसमें हम वो यूनिट पढ़ाएंगे, उसमें देखना। ऑलवेज ट्राई टू राइट एन एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर न्यू वर्ड्स, सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर कोई वर्ड आप यूज़ कर रहे हो तो उसका सेंटेंस ज़रूर लिखें आप, तो सेंटेंस जब आप लिखोगे तो वो वर्ड याद रहेगा आपको हमेशा सेंटेंस के रूप में। देखिए इन्होंने बोला है कि हमेशा प्रयास करें कि एक सेंटेंस के साथ उस नए वर्ड को लिखें, यू कैन चूज एन एग्जाम्पल फ्रॉम दिस बुक, या तो इस बुक से आप चूज कर सकते हो या किसी डिक्शनरी से चूज कर सकते हो, बट एन एग्जाम्पल फॉर एन ओन लाइफ, लेकिन एग्जाम्पल ऐसा हो जैसे आप जो बोलते हो, जो आप कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हो उसमें उसका यूज़ होता है, तो अपनी लाइफ से संबंधित कोई ऐसा या डेली स्पीकिंग कर रहे कभी कभी बोलने में आ जाता है ऐसी सिचुएशन, तो वो एक एग्जाम्पल आप ज़रूर वैसे करके लिखें तो उससे आपको मदद मिलेगी याद करने। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, आई शेयर्ड अ फ्लैट विद एन ऑस्ट्रेलियन गर्ल व्हेन आई वाज इन लंदन लास्ट ईयर, पिछले साल में जब लंदन में था तो मैंने अपना फ्लैट जो है एक ऑस्ट्रेलियन गर्ल के साथ शेयर किया था, तो ये एग्जाम्पल ले लिया, चलो भाई ऑस्ट्रेलियन गर्ल के साथ आपने एक शेयर किया था फ्लैट तो याद रहेगा कि वर्ड आपका शेयर किया था, शेयर आपको याद रहेगा, फ्लैट शेयर किया था यानी आपके साथ वो जो है रही थी। डू एक्सरसाइज इन पेंसिल, एक्सरसाइज पेंसिल से करें आप, देन यू कैन रब इट देम आउट, फिर उन सेंटेंस को रब आउट कर दें, साफ कर दें रबर का यूज़ करके, तो रब देम आउट मीन्स है किसी वर्ड को इरेज करना, साफ करना रबर से, रब इट आउट अगर सिंगल है या कोई सेंटेंस है तो इट यूज़ कर दो, डैम का मतलब है जो प्रैक्टिस किया आपने सेंटेंस की उनको यूज़ कर दो या वर्डों को यूज़ कर दो या प्लूरल है आपका, ठीक है।
एंड डू देम अगेन लेटर, फिर दोबारा उनको लिखें आप. दिस इज़ अ गुड वे टू रिवाइज वोकेबलरी, ये अच्छा तरीका है वोकेबलरी रिवाइज करने का. अब ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे उन्होंने, विच ऑफ दिस थिंग डू यू डू नाउ, इनमें से कौन सी जो चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई वो आप अभी करते हो. जैसे इन्होंने जो तरीका बताया है वर्ड को याद करने का, उसमें से कौन सा करते हो अभी आप जब आप वोकेबलरी सीख रहे होते हो. अब देखिए सेकंड वाला देखिए, व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर, और अगर अभी नहीं करते हो तो फ्यूचर में कौन सा करोगे आप, इनमें से कौन सा करोगे आप. ठीक है, अब नेक्स्ट देखें सी सेक्शन, रिवाइजिंग अ यूनिट, यूनिट को जब आप रिवाइज करेंगे तो देखिए क्या होगा. व्हेन यू आर रिसीविंग रिवाइजिंग सॉरी व्हेन यू आर रिवाइजिंग अ यूनिट वन और टू डेज लेटर, जब आप कोई यूनिट रिवाइज करें एक दो दिन बाद, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी इन एक्टिव एज पॉसिबल, तो जितना कोशिश हो सके एक्टिव रहें, ध्यान दें उस पर. टेस्ट योर सेल्फ, अपना टेस्ट करें, क्या सेल्फ टेस्ट करें भाई, उसको हाइड कर लें मीनिंग को. जैसे लुक एट अ वर्ड, एक वर्ड को देखें, कवर द मीनिंग, तो ये अपना टेस्ट करें, उसमें कोई चीटिंग नहीं करना, क्योंकि फिर ये आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं. तो पहले आप वर्ड को देखें, उसका कवर मीनिंग कवर कर लें, तो देखो आपको याद है कि नहीं है. कैन यू रिमेंबर व्हाट द मीनिंग इज, कि आपको याद है उसका मीनिंग. इफ़ यू कांट, यदि आपको याद नहीं आ रहा है, चेक द मीनिंग, फिर मीनिंग चेक करें. देन कम बैक टू द वर्ड इन 5 मिनट्स, मीनिंग चेक करने के बाद 5 मिनट्स बाद दोबारा उसको आए और अपने आप को फिर टेस्ट करें. नेक्स्ट है आपका लुक एट व्हाट यू रॉट इन योर नोटबुक, जो आपने नोटबुक में लिखा था उसको एक बार ज़रूर देखें. व्हेन यू फर्स्ट स्टडीड द यूनिट, जब आप यूनिट को स्टडी किया था आपने पहली बार पास्ट में, तो उसको ज़रूर देखें क्या आपने स्टडी किया था. इज़ देयर एनी न्यू इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट टू ऐड, तो जो आपको वर्ड याद हो चुका है क्लियर, आप भूल नहीं रहे हो, तो उसमें दूसरा इन्फॉर्मेशन ऐड और कर लें. जैसे कोई वर्ड आपने याद कर लिया, डर्टी, ठीक है, याद है डर्टी मतलब गंदा होता है, तो मीनिंग याद हो गया ना, उसके बाद उसमें ऐड कर दें भाई डर्टी आपका एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रपोजिशन है, वर्ब है, क्या है, तो उसको और ऐड कर दें. तो जब आप दोबारा उसको रिवाइज करें, दोबारा एडजेक्टिव उसको डर्टी को देखें, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्ड आपका एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है आपका, तो वो इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाए. जब ये अच्छी तरीके से याद हो जाए कि वो एडजेक्टिव है, तो उसका अपोजिट लिखें, देखिए क्लीन होगा उसका अपोजिट, डर्टी का क्लीन हो जाएगा, उसका सिनोनिम से लिखें आप. और भी कुछ ऐड इन्फॉर्मेशन कर, उसके अगर कोई फ्रेज बनता है, ईडियम बनता है, तो आप और इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएं, जितना ऐड करते जाएं, तो उससे आपका इंक्रीजमेंट होगा, वोकैबुलरी का इंक्रीमेंट होगा. देखिए अब देखिए, डायग्राम्स में हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज सम ऑफ द वोकैबुलरी डिफरेंटली, डायग्राम भी आपको बना सकते हैं कोई, जिससे आपको हेल्प मिले. एक दूसरा तरीका है, कोई अलग तरीका है याद करने का, जैसे आप उसको याद कर पाएँ, मदद मिले आपको. देखिए इन्होंने एक डायग्राम बनाया, टेक, जैसे टेक लिख लिया इन्होंने, फिर उन्होंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाकर जो है लिखा, जैसे हु टुक माय पेन, कौन मेरा पेन ले गया था. देखो अलग अलग तरीके से टेक का यूज़ करके उन्होंने एक डायग्राम बनाया है. हु टुक माय पेन, कौन मेरा पेन ले गया था. लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ, चलो अब थोड़ा आराम यानी ब्रेक ले लेते हैं. आई टुक नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान मैंने नोट्स बनाए थे. What size shoes do you take? आप कि किस साइज़ के shoes बनते हैं, या आप किस साइज़ के shoes पहनते हैं, तो ये आपका एक example है. अब इन्होंने यहाँ पूछा है कि write your answers, अपने answer दें यहाँ पर. इन्होंने question पूछे, देखिए, do you revise your vocabulary that you study, जो आप unit पढ़ते हैं उसको revise करते हैं, इफ़्सो करते हैं तो कितनी बार करते हैं, ये आप अपने हिसाब से देना. नेक्स्ट है, विल यू ट्राई टू रिवाइज मोर ऑफन इन द फ्यूचर, क्या आप और रिवीजन बढ़ा दोगे, और ज़्यादा रिवाइज करने लगोगे. इफ़्सो अगर करोगे तो, फिर उन्होंने पूछा है कि विल यू यूज़ सम ऑफ द आइडियाज़ अबव, तो ऊपर जो मैंने आइडियाज बताए हैं, ये डायग्राम का हुआ और ये भी मैंसन किए थे आइडियाज, तो उनका यूज़ करोगे क्या, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो दे देना भैया, यूज़ करेंगे उसमें कौन कौन से यूज़ करेंगे, तो
अपने हिसाब से आंसर दे रहे हैं। देखिए डी, देखिए एक्सपेंडिंग योर वोकैबुलरी, एक्सपेंडिंग का मतलब है कि अब उसमें और थोड़ा बढ़ोतरी करो, उसमें और ऐड करो इन्फॉर्मेशन, उसको उसका सिनोनम्स लिखो, ऑपोजिट्स लिखो, फ्रेजेज लिखो, फ्रेजल वर्ब अगर बन नहीं है वो लिखो, ईडियम अगर है कोई किसी वर्ब का, किसी वर्ड का, तो ईडियम भी लिखो। तो उससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी एक्सपेंड होगी, इंक्रीज होगी। देखिए व्हेन यू लर्न अ वर्ड, जब आप कोई वर्ड याद करें, जैसे डर्टी हो गया इनका, तो थिंक ऑफ सिनोनम्स, उसके सिनोनम्स और ऐड कर दें, यानी और सोचें कि भाई डर्टी से रिलेटेड कितने और वर्ड हैं आपके जो एक ही सेम मीनिंग देते हैं। सिनोनम्स का इन्होंने मतलब दिया यहाँ पर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग, जिनका सिमिलर मीनिंग हो, और ऑपोजिट्स लिखें, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखें उसका इन योर लैंग्वेज, अपनी भाषा में। लुक देम अप इन अ बायलिंगुअल डिक्शनरी, बायलिंग जो दो भाषाओं की डिक्शनरी होती है, जैसे इंग्लिश टू हिंदी, अपनी भाषा में भी देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश भी देख सकते हैं, टू फाइंड द इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड भी उससे फाइंड करें, अपने भाषा में उसको टाइप करें, इंग्लिश में मिल जाएगा आपको। देन लुक अप द इंग्लिश वर्ड्स इन एन इंग्लिश डिक्शनरी टू चेक द मीनिंग, फिर उसके बाद इंग्लिश डिक्शनरी में उसका मतलब देखें, मीनिंग चेक करें। फ्रॉम दिस, इससे क्या होगा, यू विल फाइंड दैट ऑपोजिट ऑफ डर्टी इज क्लीन, तो आपको पता पड़ेगा, उसमें आपको मिल जाएगा डर्टी का ऑपोजिट क्लीन होगा। यू मे ऑल्सो फाइंड फिल्थी, आपको फिल्थी भी मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है वेरी डर्टी, बहुत ज़्यादा गंदा। तो ये आपको क्या करना है, अभी अपन ये स्टडी जो कर रहे हैं, तो इसमें जो हाईलाइटेड जो, जैसे ये है, ये है, तो इनका मीन भी साथ में लिखा हुआ है, तो इसका मीन याद करते चलना। जैसे फिल्थी आपको मिल गया, या सिनोनिम्स आप किसी को नहीं पता, तो उसका मतलब है समान अर्थ वाले जो शब्द होते, समान अर्थी कह लीजिए, या सेम मीनिंग वाले वर्ड। ऑपोजिट का मतलब है उसके विरुद्ध, यानी ऑपोजिट। नेक्स्ट है आपका फिल्थी, जो डर्टी का सिनोनियम है, ठीक है, सिनोनिम्स है। 1.4 देखिए इन्होंने यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड का यूज़ करते हुए फाइंड ऑपोजिट्स फॉर द वर्ड्स इन बोल्ड, जो बोल्ड है आपके ये है, उनका ऑपोजिट लिखना है आपको। जैसे माय रूम इज़ वेरी क्लीन, मेरा रूम बहुत साफ है, तो यहाँ डर्टी लिख देना, माय रूम इज़ वेरी डर्टी, बहुत गंदा है, तो ऑपोजिट हो गया, क्लीन का ऑपोजिट डर्टी हो गया। इट्स अ परमानेंट जॉब, या परमानेंट जॉब है, परमानेंट का मतलब बिल्कुल एक तरीके से कहते स्टेबल है, यानी भाई परमानेंट है वो। इसका ऑपोजिट होगा आपका टेम्परेरी, टेम्परेरी आपका जॉब, इट्स अ टेम्परेरी जॉब। ही वॉज काइंड टू ऑल हिज एनिमल्स, इसको उस वो अपने जानवरों के प्रति बहुत ज़्यादा दयावान था, ये कह लीजिए कि उसका व्यवहार अपने जानवरों के प्रति अच्छा था। तो काइंड का मतलब है जिसके प्रति व्यवहार अच्छा हो, परेशान ना करे कोई। तो ऑपोजिट क्या होगा, क्रूअल होगा, क्रूअल मन निर्दयी था भाई, परेशान करता था, मारता था, पीटता था, तो क्रूअल हो जाएगा। काइंड मतलब दयालु कह लीजिए, या अच्छा व्यवहार जो करे उसको, और आपका ऑपोजिट इसका क्रूअल होगा, जो किसी को सताए, परेशान करे, तो क्रूअल हो जाएगा। बेबीज है वेरी सॉफ्ट स्मूथ स्किन, बेबीज की जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत आप कह लीजिए बहुत सॉफ्ट, सॉफ्ट कह सकते हैं, तो स्मूथ स्किन है, होती है बेबीज़ की। ऑपोजिट रफ, खुरदुरी कह लीजिए, थोड़ा रफ टाइप की, स्मूथ ना हो। तो स्मूथ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, रफ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेयर इज़ द एंट्रेंस, एंट्रेंस इसका यानी एंट्रेंस मतलब जो अंदर जाने का जो रास्ता होता है एंट्रेंस, और एग्जिट होता है जो बाहर निकलने का जो रास्ता, एग्जिट, एग्जिट एग्जिट बोलते हैं और एग्जिट बोलते, दोनों बोलते, जो मैंने अभी दिखाया था। नेक्स्ट है व्हाट द वर्ड, वाज द वर्ड डेड, डेड और डेथ नाउन हो जाएगा, और ये डेड है आपका, डेड का मतलब होता है मृत यानी मरा हुआ, तो ऑपोजिट इसका होगा अलाइव, जीवित, जिंदा है जो। डिड दे एक्सेप्ट द इन्विटेशन, क्या उन्होंने इन्विटेशन स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और डिनाई हो जाएगा इसका ऑपोजिट, नहीं, मना कर दिया इन्विटेशन का, तो डिनाई हो जाएगा। अब देख लेना
डिनाई, अभी मैं आंसर शीट दिखा दूँ, आंसर शीट ओपन कर लूँ उसका, देखिए एक आंसर शीट ओपन कर लेते हैं तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो देखिए क्रूअल होगा आपका या अनकाइंड कह लीजिए, टेम्परेरी परमानेंट का टेम्परेरी हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब एग्जिट बोल, एग्जिट कह दीजिए, वे आउट कह लीजिए, दोनों ही आपका जो है नाउन है, वे आउट भी आपका ये नाउन है आपका, वे आउट यानी निकलने का रास्ता, बाहर निकलने का, और एग्जिट जो आपका है वो भी आपका नाउन है, ये भी दोनों नाउन है, तो ये आपका सिनोनियम है, सिनोनिम से। नेक्स्ट देखिए एक्सेप्ट का डिनाई हो जाएगा, देखिए जैसे एक्सेप्ट का डिनाई इन्होंने कहा है, रिफ्यूज, रिफ्यूज के लिए डिनाई कह लीजिए की बात है, अलाइव डिनाई कह दीजिए, रिफ्यूज मना करना, डिनाई मना करना होता है, तो रिफ्यूज बोल दिया भाई, इनविटेशन रिफ्यूज। नेक्स्ट देखिए बिल्डिंग वर्ड फैमिलीज विल ऑल्सो हेल्प यू टू एक्सपेंड योर वोकेबलरी। अब वर्ड फैमिली आपको जो है जिससे आपकी वोकेबलरी एक्सपेंड होगी यानी इंक्रीज बढ़ेगी, फ्रॉम अ नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब। अब जैसे नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो उसका क्या करना है आपको, तो वो वर्ड है जैसे आपका, तो उसका नाउन लिखो उस वर्ड का, उसका एडजेक्टिव क्या होगा, तो उससे क्या होगा, वर्ड फैमिलीज होगी, यानी एक ही वर्ड का भाई वो नाउन हो गया, उसी आपका वर्ड का वो वर्ब हो गई, वो एडजेक्टिव हो गया, तो उसकी वो फैमिली है। तो ऐसी ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो उससे भी इंक्रीज होगा आपका वोकेबलरी, एक्सपेंड होगी। यू कैन ऑफन फाइंड रिलेटेड वर्ड्स इन द डिक्शनरी, उससे रिलेटेड वर्ड्स भी आप फाइंड कर सकते हैं विद अ सिमिलर मीनिंग वाले, यानी सिनोनिम्स। सो यू कैन ऑफन लर्न टू और थ्री वर्ड्स, कम से कम दो तीन वर्ड याद कर लीजिए एक ही अर्थ के, तो कोई ना कोई याद आ ही जाएगा, और यदि आपको कहीं मिल जाए तो भी समझ में आ जाए इसका ये मतलब है। नाउ जस्ट वन एग्जाम्पल, जैसे आर्ग्यू है आपका, ये वर्ब है, वी वर्ब है आपका, तो इसका मीनिंग है हैव एन एंग्री डिस्कशन, भाई किसी में कोई एंग्री यानी गुस्से में कोई डिस्कशन हो गया है, तो भाई आर्ग्यू हो गया, झगड़ा हो गया, तो इसका नाउन होगा आर्गूमेंट, तो ये नाउन हो गया, आर्ग्यू का आर्ग्यूमेंट नाउन हो गया, एमेंटमेंट, क्लियर है। अब देखिए यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द रिलेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता करने, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, फॉर द वर्ड्स इन बोल्ड, इनका पार्ट ऑफ स्पीच पता करना है और उसमें लिखना है आपको, जैसे एडवाइज है, एडवाइज आप एडवाइज या नाउन है आपका, सम एडवाइज, इसका वर्ब लिखना है, तो एडवाइज, देखिए नाउन में सी आता है और वर्ब में एस आता है, स्पेलिंग सेम रहती है, थोड़ा सा अंतर है कि सी या एस हो जाएगा, वर्ब में एस हो जाएगा और नाउन में आपका सी हो जाएगा, तो एडवाइज मतलब सलाह और एस हो जाए तो सलाह देना हो गया। वी मस्टन्ट आर्ग्यू, हमें जो है झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो इधर क्या होगा आपका, आर्ग्यू होगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, जैसे ये आर्ग्यूमेंट, आई विल रिवाइज, हाँ आई विल हैव टू रिवाइज दिस यूनिट, मुझे ये यूनिट रिवाइज करनी होगी, इसका नाउन हो जाएगा रिवीजन, जैसे देखो आंसर में, तो आपका आर्गुमेंट हो गया और इधर आपका रिवीजन हो गया, सेकंड टू और थ्री में रिवीजन हो गया। आगे देखिए इसमें आपका चॉइस, इज देयर अ चॉइस, कोई चॉइस है क्या, वर्ब इसका क्या हो जाएगा, चूज हो जाएगा, देखो सी एच डबल ओ एस सी, ये चूज आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्लियर है, ये वर्ब हो गया, ध्यान रखना ये वर्ब है आपकी चूज, और नाउन आपका क्या है, चॉइस, ये चॉइस आपका नाउन है, किधर है ये चॉइस आपका नाउन है, फोर्थ वाला, तो वर्ब आपका चूज हो जाएगा, सी एस डबल ओ एस सी। आप देखिए फिफ्थ देखिए, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई वोकेबलरी, मैं अपनी वोकेबलरी को बढ़ाना चाहता हूँ यानी ज़्यादा ज़्यादा वर्ड यूज करना चाहता हूँ, तो एक्सपेंड हो जाएगा, तो एक्सपेंड का नाउन क्या होगा, देखिए एक्सपेंड का नाउन होगा आपका ये एक्सपेंशन, ये नाउन हो जाएगा,
ये पहचान है नाउन की, एक्सपेंशन नाउन हो जाएगा, क्लियर है। अब इधर देखिए ये डिफरेंट, द टू बॉयज आर वेरी डिफरेंट, ये एडजेक्टिव है आपका भी, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ये वर्ब एडवर्ब हो गई। तो यहाँ आपका ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होगा, देखिए इधर नाउन इसका क्या होगा, किसका, डिफरेंट का, डिफरेंट मतलब अलग अलग, द टू बॉयज आर वेरी डिफरेंट हैं, अलग अलग है भाई, मेल मेल नहीं खाते एक दूसरे से। तो इसका क्या है? पहले देखो, पहले क्या करना, नाउन और वर्ब पता करना, यानी ये एडजेक्टिव है तो इसका नाउन भी होगा और वर्ब भी होगी। अब किसी किसी में एक ही दिया, जैसे रिवाइज का नाउन ही होगा, एडजेक्टिव नहीं होगी, तो इसीलिए उन्होंने एक ही दिया है कि इसका आपका वर्ब होगा, ये नाउन है तो वर्ब होगी, एडजेक्टिव नहीं होगी इस वर्ड की। तो ये आपको डिक्शनरी बताएगी। देखिए अब जैसे डिफरेंट है आपका, तो इसका नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है। अब ये कम्युनिकेट, तो आपकी वर्ब है क्योंकि टू आगे लगा, टू कम्युनिकेट, टू इन्फिनिटिव है, टू वर्ब है आपके, तो इसका नाउन होगा, एडजेक्टिव होगी। तो वर्ब नाउन एडजेक्टिव, इसका एडजेक्टिव नाउन वर्ब, क्लियर है। तो इसमें आप देखिए डिफरेंट एडजेक्टिव का नाउन क्या होगा, डिफरेंट एडजेक्टिव का नाउन होगा डिफरेंस एडजेक्टिव होगी, और डिफर आपका वर्ब होगी। तो डिफर आपकी वर्ब हो गई, डिफर मतलब अलग अलग, ठीक है, करना। तो और डिफरेंस क्या होगा, अंतर हो गया आपका, अंतर करना, अंतर सिक्स का, क्लियर है। आगे देखिए सेवेंथ का, देखिए दे नीड टू कम्युनिकेट मोर, उन्हें अब ज़्यादा बात की ज़रूरत होगी या ज़्यादा बात करनी होगी उन्हें। तो नेक्स्ट का नाउन क्या होगा, कम्युनिकेट का कम्युनिकेशन होगा नाउन, और कम्युनिकेटिव हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका नाउन, और कम्युनिकेटिव हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो ये ऐसे करके आपको क्या करना होगा, अपनी वोकेबलरी इंक्रीज करनी होगी, बढ़ानी होगी। वर्ड फैमिली से बढ़ा लीजिए, उसके रिलेटेड वर्ड फाइंड आउट कर लीजिए, ऑपोजिट और उसका सिनोनिम्स लिख लीजिए, ईडियम, फ्रेजल वर्ब, जो भी आपको ऐड करना चाहो उसमें ऐड करते जाना, आपकी वोकेबलरी एक्सपेंड होती जाएगी। नीचे इन्होंने दिया है ट्राई टू रीड एंड लिसन टू इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, जितना आपको इंग्लिश, जितना हो सके आप इंग्लिश सुनिए। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा ना सुने जिससे बहुत आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, कुछ ऐसे सिंपल वर्ड हों जैसे स्टोरी हो, आप उसको सुनने की आदत डालो, समझने की आदत डालो सिंपल तरीके, जैसे बच्चों की कुछ बुक्स हैं आपकी, आपको मिल जाएंगे आराम से इंटरनेट पर, कोई स्टोरी डाल दीजिए इंग्लिश टू इंग्लिश स्टोरी, उसको सुनकर समझने की कोशिश कीजिए। कुछ वर्ड हैं आपके सिंपल, स्टोरी में सिंपल वर्ड आते हैं आपके, तो उससे सुनने के पर धीमे धीमे फिर अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जाइए। द मोर यू रीड एंड लिसन, जितना आप जो है रीड करोगे पढ़ोगे और जितना आप सुनोगे, द मोर यू विल लर्न, तो आपको ज़्यादा और सीखने को मिलेगा। व्हेन यू रीड एंड ट्राई टू, और जब आप उसको रीड करोगे या प्रयास करोगे करने का। हाईलाइट और अंडरलाइन, अंडरलाइन करके इंटरेस्टिंग न्यू वर्ड्स, अगर आपको बहुत अच्छा कोई वर्ड मिल गया है, फ्रेज मिल गया, तो उसको अंडरलाइन जरूर करें या हाईलाइट करें। हाईलाइट वर्ड्स इफ़ दे आर सिमिलर फैमिलर, अगर वे फैमिलर है वर्ड, ठीक है। हाईलाइट वर्ड्स इफ़ दे आर फैमिलर बट यू कॉन्ट रिमेंबर द मीनिंग, वर्ड तो आपको पता है कि ये हमने देखा है लेकिन उनका मीन नहीं पता, ज़्यादातर यूज़ तो करते हैं उसको लेकिन हमें ये नहीं पता कब यूज़ करते हैं, बस किसी ने बोल दिया तो हमने भी बोल दिया भाई उस सिचुएशन में, लेकिन मतलब पता नहीं है उसका, तो उसका मीन पता करें, क्लियर है। आगे देखिए फिर उन्होंने बोला है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पोकन इंग्लिश ऑन द इंटरनेट, अब इंटरनेट आपको बहुत सारा स्पोकन इंग्लिश से संबंधित इंटरनेट में मिल जाएगा, विच यू कैन प्ले अगेन अगेन अगेन, दोबारा प्ले प्ले करके आप देखें। ट्राई टू मेक अ नोट ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ड्स, कोशिश करें कि आप नोट बनाएं इंटरेस्ट, जो आपको अच्छे वर्ड्स लगें और इंटरेस्टिंग हो आपके लिए, भाई सीखना अच्छा है बोलेंगे हम उनको ट्राई करेंगे, तो ज़रूर आप उसका नोट्स बनाएं एंड लुक अप द मीनिंग, और उसका मीनिंग ज़रूर सर्च करें। अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है नाउ चूज़ अ यूनिट दैट इंटरेस्ट यू, वही चीज़, जरूर नहीं कि आप जो है पहले फोर्थ करो उसके बाद ही फिफ्थ करो फिर सिक्स करो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको यूनिट अच्छी लगे, जो भी टॉपिक की आपको वर्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे उसको सीखो, पहले उसको स्टार्ट कर दो, यूनिट को आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
Now choose a unit that interests you. Study the left page. पहले लेफ्ट पेज पढ़ें एंड देन डू द एक्सरसाइज इन पेंसिल. उसके बाद पेंसिल से एक्सरसाइज करें. वेट फॉर एट लीस्ट 20 आवर्स. कम से कम इंतज़ार करें 24 घंटे निकलने का. रिवाइज द यूनिट. फिर आप रिवाइज करें उसको और हाइड कर लें वर्ड मीनिंग और पता करें कि भाई याद करो. अपना टेस्ट करें कि वो वर्ड याद है हमें कितना है. दोबारा फिर देखें एंड देन आंसर द दीज क्वेश्चंस. उसके बाद इन क्वेश्चन का फिर आंसर दें. हाउ मैनी आंसर डिड यू गेट राइट द फर्स्ट टाइम. तो जब हमने फर्स्ट बार रिवाइज किया मीन हाइड करके तो कितना आपने कितनी बार आपने सही वर्ड को बताया. सेकेंड बार किया तो कितना बताया कितनी बार आपकी सही निकले. हाउ मैनी आंसर डिड यू गेट राइट द सेकेंड टाइम. क्लियर है. तो आपका ये फर्स्ट यूनिट हो गई. नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे कीपिंग अ वोकैबुलरी नोटबुक. उसके बाद थर्ड आपकी स्टार्ट होगी. एक्सरसाइज कराएंगे डिक्शनरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है कैसे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहती है. ठीक है. वर्ड के बारे में ईडियम की फ्रेजेस क्या होंगे कैसे फ्रेजल वर्ब बनेगी क्या कैसे डिक्शनरी की सिचुएशन रहेगी वर्डों की क्या कैसे इन्फॉर्मेशन रहेगी. उसके बाद आगे जितनी भी यूनिट आती जाएंगी उसका आपको जो है प्रॉपर वीडियो बनकर मिलेगा. तो ये आपका फर्स्ट यूनिट कवर हो गया. फर्स्ट यूनिट इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर योर नॉलेज देन यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू ऑल ऑफ यू.